सिर्फ 10 मिनट में बची हुई रोटियों से बनाए ये नाश्ता, जिससे आपके पूरे परिवार का पेट अच्छे से भर जाएगा और आप एक रोटी खाकर ही पूरा दिन आराम से रह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बची हुई रोटी से ये नाश्ता कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप बेसन ले लिया है, 2 टेबल स्पून मतलब 2 चम्मच आटा ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। और यहाँ पर कौन सी चीज़ें लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अपने सदस्यों के अनुसार घर में कितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी की जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि बेसन का घोल तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, तो हमें गुठलियाँ नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और मिलाते रहें ताकि गाढ़ा बैटर बनकर तैयार हो जाए। बहुत ही पतला बैटर नहीं बनाना है, अच्छे से फेंट लें 2 मिनट तक। तो बेसन का टेक्सचर जो है वो अच्छा से निकल के आ चुका है, तो यहाँ पर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 से 15 मिनट बाद हम इसको उठाएंगे। तो चलिए जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए आप जितनी रोटी ले रहे हैं, मतलब कि जितने सदस्यों के लिए बना रहे हैं, उतने ही आलू ले लें, क्योंकि आलू इसमें ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर मैंने, हम 2 रोटी का नाश्ता बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं और इनको हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, बट ग्रेटर से तोड़ेंगे तो इसमें गुठलियाँ कम रहेंगी, बहुत ही अच्छे से ये ग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच अजवाइन भी डालेंगे इसमें हाथ से क्रश करके, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर मतलब कि भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने अजवाइन हाथ से क्रश कर लिया, इसके बाद इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से मैंने डाल दिए हैं, इसके साथ ही हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालें, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी धनिया डाल दी बारीक काट कर, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देखेंगे जो स्टफिंग बन रही है ना, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप भी इसी प्रकार से अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है जब, लेकिन जब खाने की बात करते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे जो है ना पिज़्ज़ा सैंडविच खाना भूल जाएंगे जब ये बची हुई रोटी का नाश्ता खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटी ले ली है, ये रात की बची हुई रोटी थी, इस पर अगर आप घी लगा कर रखते हैं तब तो ठीक है, अगर घी नहीं लगाए तो आप थोड़ा सा पानी लें, पानी लेके इसके ऊपर वाली जो परत है ना, जिस तरह साइड स्टफिंग लगानी है उसको गीला कर दें। इसके बाद थोड़ी सी स्टफिंग लेके इसमें अच्छे से फैला लेना है। स्टफिंग लगाने का एक तरीका है कि बीच में स्टफिंग ज़्यादा रहे, कॉर्नर्स पे स्टफिंग कम रहे, कॉर्नर्स पे कम रखनी है, बीच में ज़्यादा रखनी है। इस तरह से मैंने पूरी रोटी पे इसको अच्छे से फैला दिया है। यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है और 10 मिनट हो चुके हैं, बेसन रेस्ट कर चुका है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सोडा मिला दिया, सोडा तभी मिलाएं जब हमें बिल्कुल तैयार हो चुके हों नाश्ता तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, सेकने के लिए। तो उसी समय मैंने मिला दिया है, इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लोइंग बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने तवा ले लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल को अच्छे से पूरे तवे पर फैला देंगे। इसके बाद रोटी को रख देंगे, तो जिस तरह जिस साइड मैंने स्टफिंग लगाई है उस साइड से नहीं रखना है, उल्टे साइड से रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के बैटर ले लिया है, इसको फैलाना कैसे कि बीच में डालना है। अगर आपने साइड में डाल दिया ना तो साइड से पूरा निकल जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है कि बीच में डालना है, साइड तक उसको लेके जाना है और ढक के भी अच्छे से आप पका सकते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर की जो साइड अच्छे से पक चुकी है और आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। पलट देंगे, जिस साइड बेसन है उस साइड भी इसको अच्छे से पका लेंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये सिक चुका है, पराठा एकदम बढ़िया बन चुका है रोटी से। तो इसी तरह आप भी इसको पलट कर अच्छे से सेक लें। 2 मिनट बाद मैंने इसको पलट दिया था, पलट के मैंने दूसरी साइड से भी सेक लिया है, इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो इसको आप सीधा कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इस साइड भी अच्छे से पक चुका है, बेसन जो है वो अच्छे से पक गया है। अब करेंगे क्या है, इसके ऊपर टोमेटो केचप लगाएंगे। तो सबसे पहले टोमेटो केचप लगा दिया है, अब खाली मीठा रखेंगे तो चलेगा नहीं, इसमें एक तीखी चटनी भी हम ऐड करेंगे। आपको जो चटनी पसंद हो तीखे में वो आप मिला सकते हैं। हमने यहाँ पर जो हरी चटनी होती है ना घर पर बनती है, प्याज टमाटर धनिया ये सब डाल के, जो मिर्च डाल के बनती है ना चटनी, वो चटनी यहाँ पर बना ली है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सेजवान सॉस जो आता है वो भी तीखा वाला लगा सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद यहाँ पर प्याज डालेंगे, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही प्याज के साथ टमाटर भी डालेंगे बारीक काट कर, बहुत ही टेस्टी लगता है ये जो इसमें हम गार्निश कर रहे हैं ना इसको, ये मेन पॉइंट है, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है हमारा नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने हरी धनिया भी डाल दी है
और इसके साथ ही आप जो आपको नमक जो नमकीन होती है ना, जो भी पसंद हो आपको वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें। हम यहाँ पर सेव वाली नमकीन डाल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं हमने गार्निश करने के लिए टोमेटो केचप, हरी चटनी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया और नमकीन ये डाला है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये नाश्ता हमारा यहाँ पर तैयार है एकदम खाने के लिए। और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको पीसेस में काट लेते हैं एकदम पिज़्ज़ा स्टाइल में। बीच से पहले काट दिया है, इसके 4 पार्ट्स कर लेंगे। और बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने में। तो आप सभी लोग अपने घरों में ये बची हुई रोटी का नाश्ता ज़रूर बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।